तो देखना बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ेंगे, और उसमें कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल टू बाइनरी, पहले बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी सिंपल वाला देखेंगे, उसके बाद फ्रैक्शनल वाला, मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा हो उसको हम क्या करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करके हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले इससे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, देखना बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है। ओके देखना, पहला जो क्वेश्चन हमारा, तो देखिए ये क्वेश्चन इसी टाइप का लिख के आएगा, ठीक है ना। ये 19 लिखा है, 19, ये 10 मतलब क्या बताता है पता है, डेसिमल बताता है, एक क्वेश्चन मार्क है बाइनरी में, यानी ये ऐसे भी लिख सकता है, कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ 19 इनटू बाइनरी, ठीक है ना। तो ऐसे लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ऐसा क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है ना। ये 10 मतलब क्या रिप्रेजेंट कर, मैंने बताया था रेडिक्स बेस लगा देगा, ये बेस लगा देगा इसका मतलब डेसिमल, ये मतलब क्या टू मतलब बाइनरी में है, ठीक है ना। ओके बच्चों, कन्वर्जन ऑफ 19 इनटू बाइनरी नंबर, ओके ऐसा भी क्वेश्चन कह देगा आपको। तो देखो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये 10 लग जाएगा तो समझ जाओगे डेसिमल है, और 2 मतलब बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक बच्चों। तो अब देखना इधर आप लोग, पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां ऐसे 19 लिख देंगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे आप डिवाइड करते वैसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ये सक्सेसिव डिविजन्स है, ये क्या है, सक्सेसिव डिविजन है, डिविजन्स है, यहां रिमाइंडर लिख देते हैं, यहां रिमाइंडर्स लिख देते। अब 2 से मैं डिवाइड करता जाऊंगा, 2 से डिवाइड कर जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर मतलब जो शेष बचेगा, हम यहां इसके नीचे लिखते जाएंगे। ओके तो 2 से कितना जाएगा, 2 9 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कितना बचेगा, एक बचेगा, क्या यहां लिख दो, 9 2 18 एक बचेगा, फिर 2 ले जाओ, 2 4 8 एक बचेगा, फिर 2 ले जाओ 2 2 4 यहां, तो यहां 2 2 4 कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक। फिर अब क्या करेंगे, 2 2 4 कितना बचेगा, 0 बचा, अब फिर ले जाओ कितना, 2 के 2 कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है ना। फिर क्या करो, अब नहीं जाएगा तो 0 ले जाए, 2 0 1 0 एक बच गया, ठीक, एकदम लास्ट में 0 तक ले जाना है आपको। इसका जो एरो है टॉप टू बॉटम लगा देते हैं हम लोग, इसका जो एरो है वो टॉप टू बॉटम रहेगा, ये टॉप हो गया हमारा और ये क्या हो गया, बॉटम हो गया, टॉप टू बॉटम। तो इसका जो आंसर है हमारा ये क्या आएगा, 19, ये डेसिमल नंबर है, बराबर जहां क्वेश्चन मार्क था इसको मैं टॉप टू बॉटम लिखूंगा, एरो जैसे एरो लिखा ऐसे इधर से लिखूंगा, यानी 1 0 0 1 1 यहाँ 10 लिख दो, 2 लिख दो, ये हमारा आंसर हो गया, ये डेसिमल को बाइनरी, यानी 19 डेसिमल में लिखा है, बाइनरी में 19 इतना लिखा जाएगा, डेसिमल में 19 को इतना जानते हो, अब बाइनरी में अगर 19 लिखना हो तो इतना इतना लिखना पड़ेगा, ये 19 लिखा है, ठीक ना। अभी इसका भी उल्टा कन्वर्ट करके मैं दिखाऊंगा आपको, सीख गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए
कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी। तो ये क्या है, यहां पर मैंने लिख दिया जैसे 225 को हमको चेंज करना है, 10 है, किसमें बदलना है, बाइनरी बदलना है। तो सोल्यूशन फिर से वही सक्सेसिव डिवीजन करेंगे और हम रिमाइंडर लिखेंगे, यहां सक्सेसिव डिवीजन हो जाएगा यानी 225 हो जाएगा और यहां रिमाइंडर लिखेंगे। रिमाइंडर लिख दिया मैं, ठीक। चलिए कितने टाइम से ले जाए, और याद रहे मैं 2 से ही डिवाइड करूंगा। एक खास बात क्या, इसमें 2 से डिवाइड करना है, क्यों? डेसिमल को बाइनरी में बदलना है तो केवल 2 से मैं डिवाइड करूंगा, 2 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं करूंगा। ये खास बात, ये जानते रहिए। तो देखो 2 टाइम्स ले जाओ तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, कितना बचा, 1 बच गया। फिर ले जाओ 2 5 जा 10, 5 आएगा, और इधर 2 6 जा 12 आएगा, यानी कितना बचेगा, कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा कट गया। फिर 2 से ले जाओ, 2 2 जा 4 1 16, कितना, 2 2 8 जा 16, कुछ नहीं बचा। फिर से डिवाइड करो, 14 2 28 ना, 14 आएगा, 14 2 28, कुछ नहीं बचे, पूरा पूरा कट गया। फिर 2 ले जाओ, 7 7 2 14, कुछ नहीं बचा। फिर 3 2 6, 2 3 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर 2 1 2, 1 बच गया, ठीक, 1 बच गया। अब फिर से, अभी मैंने बताया ना, जब तक 0 तक ले जाना है, तो 2 0 0, 1 बच गया, ठीक, 0 तक ले जाना हमको। याद रहे ये एंडिंग कहां तक करोगे, 0 तक करोगे। अब फिर मैं क्या किया, एरो बना दिया टॉप टू बॉटम, तो हमारा जो आंसर होगा 225 डेसिमल टू बाइनरी, कैसे लिखूं, इधर से लिखना शुरू करूं, 1 1 1 0 0 0 0 1, ये हम किसमें बदल गया, ये हमारा बाइनरी में बदल गया, यानी डेसिमल भी ये लिखा है, बाइनरी में इतना लिखा है। कोई प्रॉब्लम किसी को, नहीं ना? तो 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे बता दिया। अब हम इसका क्या करते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर। तो बच्चों देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर, लेकिन ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट होगा। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसे हम कैसे करेंगे, अभी तक जो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था, बिना डेसिमल पॉइंट वाला था, उसको हमने क्या किया, 2 से डिवाइड करता गया। जब फ्रैक्शनल पार्ट वाला आएगा उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है ना, और उसका क्या कहते हैं, जो कैरी होगा उसे हम लिखते जाएंगे। एनी प्रॉब्लम किसी को, जो कैरी होगा उसमें हम उसे कैरी को क्या करेंगे, हम लिखेंगे। ठीक बच्चों,
चलिए हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा 0.375 ये डेसिमल है, कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर में। ओके, तो सोल्यूशन देखिए, मैंने बताया इस पूरे को ये क्यों नहीं, ये क्या है, जीरो है, जीरो पॉइंट समथिंग है, जीरो है, 0.375, ठीक है ना। इसको क्या करना, ये लिखा मैंने यहाँ पे कैरी लिख दिया, यहाँ पे कैरी लिखना, यहाँ थोड़ा दूर लिखता हूं मैं, कैरी लिखा। तो इसमें ये जो नंबर है, इसमें अभी तक मैंने क्या किया था, जब फ्रैक्शनल नहीं होगा तो डिवाइड करेंगे, और क्या है, जब फ्रैक्शनल होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो वैल्यू आएगा इसका, जो कैरी आएगा उसी कैरी को हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। ओके बच्चे, तो चलिए हम देखते हैं, 2 का मल्टीप्लाई मैंने किया कितना आया, देखो 2 5 0, 2 2 5 10 गए 0, हासिल 1, 7 2 14, 15 5 हासिल 1, और 3 2 6 ये कितना हो जाएगा, 7 आएगा, 0.0। कोई कैरी आया यहाँ पर, नहीं आया ना, तो कोई कैरी नहीं आया, तो 0 लिखा मैंने। जो हासिल है हमारा, ये कैरी मतलब हासिल है, हासिल कुछ नहीं आया, तो ऐसे। अब इसी को फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, इसका हमारा रिजल्ट आ उसमें 0.750, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 0, 2 5 10 के 0, हासिल लगा 1, 2 7 14, 1 15 15 15, 1 यहाँ आएगा ना, यहाँ 1 आएगा, तो ये यहाँ 1 नहीं लिखूंगा, यही हमारा कैरी है, यही हमारा कैरी है, तो यहाँ 1 नहीं लिखूंगा, ये कैरी यहाँ लिखूंगा। फिर से इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, जो रिजल्ट आता जाएगा उसे मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, 0.5002, तब तक करेंगे जब तक 0 ना आ जाए, ये रिजल्ट 0 ना आ जाए। कभी कभी ऐसा टर्म होगा कि 0 नहीं आएगा, ठीक, तो भी बताता हूं कैसे किया जाएगा वो। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 2 0 0, 2 5 10, इधर 1 आया, तो यहां मैं नहीं लिखूंगा, तो ये कैरी यहां लिखूंगा, यहां लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका जो एरो होगा हमारा थोड़ा उल्टा होगा, अब क्या होगा, टॉप टू बॉटम होगा, अभी बॉटम टू टॉप था, टॉप टू बॉटम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस सिंपल मैं इसको कैसे लिखूंगा, आंसर 0.375 लिखा, ये 10, और कितना आया ये कितना आया, यहां से देखो टॉप टू बॉटम 0.0 पहले, क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाली है ना, ये पॉइंट के बाद वाली है वैल्यू, तो 0.0 ये पूरी वैल्यू लिख दू, ठीक, 0.011 ये बन गया किसमें, ये भी जो बाइनरी आया वो भी फ्रैक्शन में आया, पॉइंट में आ रहा, देखो 0.011 बाइनरी में आ गया, ये आंसर हो गया। तो कुछ वैल्यू ऐसे होगी कि यहां 0 नहीं होगा, तो हम तब तक आगे लेते जाएंगे जब तक क्या है, फिर से रिपीट ना होने लगे। अगर रिपीट भी नहीं हो रहा है तो 4-5 डिजिट तक ले जाके हम वहीं पे रोक के और इसको क्या कर दें, नोट डाउन कर लेंगे हम, ठीक ना, तो ऐसा होगा। तो चलिए कुछ ऐसा भी देते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर वाला करते हैं। तो देखो 0.638 ये 10 है, इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना, बाइनरी कन्वर्ट करना है, ठीक। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ क्योंकि जगह मेरे पास नहीं है। तो 0.638 किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक। ये क्वेश्चन है, तो सोल्यूशन हमारा ये होगा, फिर से वही, यहां मैं नंबर लिखूंगा 0.638 लिखूंगा, यहां हम क्या लिखेंगे, कैरी लिखेंगे। चलिए 2 का मल्टीप्लाई करता जाता हूं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा कितना पता, या आएगा
यहां जो आएगा हमारा वन पॉइंट, थोड़ा एक लाइन और बढ़ा के लिख देता हूँ, बार बार मुझे मिटाना पड़ता है तो मजा खराब हो जाता है, ठीक है ना, ताकि आप देखते रहें। कैरी में थोड़ा इधर लिखता हूँ, तो यहाँ देखो आएगा 1.276 आएगा, तो कैरी इसको यहाँ लिखना होगा, तो जब कैरी हटा दूंगा तो कितना बचेगा, इतना बचेगा, और ये कैरी हमारा कितना आएगा, वन आएगा। समझ गए मेरी बात, समझ गए ना, तो ये जीरो पॉइंट कितना लिखूंगा, 276, कैरी कितना आया, वन आया, कितना था 1.276 आया था ना, तो कैरी यहां लिख दिया, कितना बचा। अब बताओ इसी में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.276, फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो वैल्यू आएगी 0.552 आएगी, तो कैरी कुछ नहीं बचा। अब इसकी में फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0.552 का 2 का फिर से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ये आएगा कितना 1.0, ये आ जाएगा, तो कैरी कितना आया, 1 आया, लेकिन ये कैरी वहां लिख दिया तो यहां नहीं लिखूंगा। अब इसका क्या करूंगा, फिर से मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर से मल्टीप्लाई किया, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.208 आएगा, फिर कोई कैरी नहीं आया, 0 लिख दिया, इसका फिर से लिखा, फिर से मल्टीप्लाई किया तो 0.416 आया, कोई कैरी नहीं आया, इसका फिर से मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 0.832 आएगा, कोई कैरी नहीं आया, फिर से मल्टीप्लाई किया 0.832 आया, इंटू 2 विल बी इक्वल टू कितना आया 1.664, यानी 1 कैरी आया, तो ये इसको मैं 0 कर दूंगा, तो 0.664 आया, 4 × 2 कितना आया करूंगा तो 1.328 आया, तो कैरी फिर से वन आई। अब ये समस्या ये आई कि कहीं जीरो नहीं हो रहा, पूरी वैल्यू डिजिट पूरी जीरो नहीं हो रही है, तो आप पूरा नहीं करो, 4-5 डिजिट तक करके छोड़ दो, क्योंकि अब इसके आगे जाते जाओगे फिर से कुछ देर बाद रिपीट करेंगे, नहीं तो ये क्या है, जो वैल्यू जैसे कहते ना 0.345678 जो रुकती नहीं है, ये वाली टर्म की वैल्यू है, तो ऐसे करते जाएंगे, कुछ डिजिट तक करने के बाद छोड़ देंगे हम, तो इसकी जो वैल्यू है लिखेंगे कितना 0.638, यानी ये भी कंप्लीट वैल्यू नहीं डिवाइड करना, इसके आगे भी कुछ वैल्यू थी इसीलिए नहीं कंप्लीटली क्या कर रहा है, अब जीरो आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, मैंने बताया टॉप टू बॉटम हम ऐसे एरो बनाएंगे, तो 0. क्या लिखूंगा, ऊपर से चलो 1 0 1 0 0 0 1 1, ये चलता रहेगा, ठीक है ना, ये बाइनरी में बदल गया। वैसे भी जानते हैं पॉइंट के 2-3 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू रहती है, बाकी सब क्या करती है अप्रोक्सीमेट में लिखते चले जाए, ठीक। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन में इसका हम अपोजिट देखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे, ओके बच्चों, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे, लेकिन अब आज नहीं, ठीक, ओके बच्चों।